मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मदरसों का पंजीयन कराना जरूरी है। बच्चों की वास्तविक आबादी और स्कूलों में दर्ज बच्चों की संख्या में बड़ा अंतर है, लिहाजा पंजीयन जरूरी है। मंत्री ने आगे कहा कि मदरसों का सर्वे का काम भी शुरू हो गया है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। पंजीकरण के बाद पता लगाया जाएगा कि पंजीकृत मदरसों के बच्चे शिक्षा से वंचित तो नहीं है। अगर ऐसे बच्चे हैं तो उन्हें शिक्षा से जोड़ा जाएगा और उन्हें आधुनिक शिक्षा दी जाएगी। दरअसल सीएम शिवराज के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग इस दिशा में एक्टिव हुआ है। जितने बच्चे हमारे यहाँ पैदा होते हैं पूरे जीवित हैं वो, और स्कूलों में दर्ज संख्या में बहुत अंतर आ रहा है। तो मोटे तौर पे ध्यान में आया है कि जो पंजीकृत मदरसे हैं वहाँ के छात्रों की संख्या तो हमारे पास रिकॉर्ड में है, लेकिन जो पंजीकृत नहीं है वो बच्चे किसी स्कूल में नहीं जाते हैं, मदरसों के बाद में अपने घर चले जाते हैं। और आरटीई के प्रावधानों के अनुसार हर बच्चे को शिक्षा देने का अधिकार, उस सब के तहत जब बात होती है तो गैप दिखता है कि भाई इतने बच्चे स्कूल तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। तो सरकार की मंशा ये है कि हमारे सब बच्चे स्कूल तक पहुंचे। बालाघाट में शुक्रवार शनिवार के दरमियानी रात पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई। इसमें पुलिस ने दलम की एरिया कमांडर और गार्ड रही दो बड़ी महिला नक्सलियों को मार गिराया। दोनों पर 14-14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बीते साल भी पुलिस ने 6 नक्सलियों को मार गिराया था। वहीं बताया जा रहा है कि गढ़ी थाना इलाके में कदला के जंगल में हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें जवानों ने दो महिला नक्सलियों सुनीता और सरिता को मुठभेड़ में ढेर कर दिया, जहां मृत नक्सलियों के पास से बंदूकें, कारतूस, बड़ी मात्रा में नक्सली साहित्य और खाने पीने का सामान भी बरामद हुआ है।